हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने jQuery की हेल्प के साथ एक ऐसा कैलेंडर कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हम जो है ईयर और मंथ जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प के साथ जो है पर्टिकुलर मंथ और पर्टिकुलर ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो एग्जांपल है, ये भी हमें हमारे ही चैनल के किसी मेंबर ने हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरीके की कोई एग्जांपल डेवलप करना बताएं, जिसके थ्रू हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प के साथ जो ईयर है और जो मंथ है वो सिलेक्ट कर पाएँ। तो चलिए, उसी रिक्वेस्ट के रिलेटेड ये आज की हमारी एग्जाम्पल है और काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी यूज़ होती है आज की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर, जहाँ पर भी हमें जो है डेट की जो सिलेक्शन है या फिर एज ए डेट पिकर जो है वो हमें यूज करना पड़ता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो ये मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो है इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाली जो एग्जांपल है किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो हमने एक डेट पिकर जो है वो तैयार करना है jQuery के हेल्प के साथ, जिसके अंदर हमारे पास जो है ईयर और मंथ के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अवेलेबल होगी। तो चलिए, जैसे ही हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, और जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो है jQuery के थ्रू जो है हमने एक कैलेंडर को डिस्प्ले करवाया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंथ जो है हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प के साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैं फेब्रवरी मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक रेंज जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। रेंज 1950 से लेके 2018 तक है। यहाँ पे हम कोई भी ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम ईयर सिलेक्ट करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है पर्टिकुलर मंथ की जो तारीख्स हैं वो सारी डेट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो चलिए, यहाँ से कोई एक जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने डेट को सिलेक्ट किया, तो जो फॉर्मेट हमने यूज़ किया है वो किया है DDMMYYYY। कहने का मतलब पहले डेट, उसके बाद में मंथ और फिर उसके बाद में ईयर। और जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है जो मंथ है उसको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया है, उसका जो फॉर्मेट है वो हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी हमने डेट यहाँ पे सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जाम्पल है। तो चलिए, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, यहाँ से न्यू। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वेबसाइट। अब आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे विजुअल सी शार्प पहले से ही सिलेक्टेड होगा, क्योंकि हमने जो कोडिंग करनी है वो सारी करनी है सी शार्प के थ्रू। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET MT वेबसाइट। अब हमने यहाँ पे जो है फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ डेट पिकर यूजिंग jQuery ASP.NET। तो ओके के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस प्रोजेक्ट नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, माउस की हेल्प के साथ ऐड करेंगे ऐड न्यू आइटम। अब हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म। तो अब आप चाहें तो इस वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसके डिज़ाइन के अंदर जाना है और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम जो कोडिंग है वो करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और टूल बॉक्स में से सबसे पहला जो कंट्रोल हम यूज़ करेंगे वो है लेबल। तो जैसे ही मैं लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हैं लेबल मेरा जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंजेस करनी है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो सबसे बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और साथ में जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, आपकी कंसेप्ट की जो नॉलेज है वो और भी इंक्रीज होगी लाइव एग्जाम्पल की डेवलपमेंट के थ्रू। तो हम आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको प्रोजेक्ट को पहली बार डेवलप करने में कोई दिक्कत ना आए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ YouTube के कमेंट सेक्शन या फिर ईमेल के थ्रू जो है हमारे साथ डिटेल में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो सलूशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा पाएँ। और इन केस आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे उस आइडिया को भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ ताकि वो आपके लिए और बाकी सभी मेंबर्स के लिए जो है प्रोजेक्ट्स में हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे अब हमने टूल बॉक्स में से एक लेबल और इंसर्ट करना है डबल क्लिक करके, और इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो लिख देते हैं, डेट पिकर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग jQuery ASP.NET C#। तो अब हमने इसका जो फॉर कलर है वो यहाँ से रेड कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है एक फॉर्म डिज़ाइन करना है डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करेंगे। टेबल की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 2, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो भी होंगे 2। तो ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने इसको थोड़ा सा रीसाइज करना है और डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो अब हमने यहाँ पे जो है इसको रीसाइज करना है इस सेंटर वाले कॉलम को, और यहाँ पे अब हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक करके ऐड कर देते हैं वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने यहाँ पे जो है एक बटन को इंसर्ट करना है ताकि डेट ऑफ बर्थ को हम सबमिट करवा सके सर्वर को, तो इस बटन को भी थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिख देते हैं सबमिट, और अब आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से बैक कलर प्रॉपर्टी के थ्रू जो है चेंज कर पाएंगे। मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, और इस टेबल की एक बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है बॉर्डर प्रॉपर्टी, इसके अंदर मान लेके एंटर कर दें जिससे इसकी बॉर्डर लाइन्स हैं वो जो ठीक हो जाए, देखने में ये जो टेबल है वो अच्छा लगेगा। अब हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ इसका कलर। अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो डिज़ाइन है वो टेबल का रेडी है। अब हमने यहाँ पर जो है एक लेबल को इंसर्ट करना है ताकि हम सबमिट करवाने के बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको दोबारा से जो है एज ए मैसेज जो है प्रिंट करवा सकें यूज़र के लिए। तो यहाँ पे लेबल हमारा इंसर्ट हो चुका है, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको अभी के लिए हमने ब्लैंक कर देना है। अब हमने जो है अपना डिज़ाइन तो तैयार कर दिया है, अब हमने इसकी कोडिंग कैसे करनी है, तो कोडिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे से इसका जो कोड है वो डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो कोडिंग है वो पहले से हमने कर रखी है, ये कोडिंग आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इजीली इसको जो है गूगल शेयर की जो ड्राइव है उसका जो लिंक होगा शेयर किया हुआ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपने सोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पर जो आपने कोडिंग करनी है वो करनी है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होते हैं, जो हमें जावा jQuery या फिर कह सकते हो बूटस्ट्रैप के रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्टिंग फाइल्स हैं उनकी जो है फाइल प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमने यूज़ करना है यहाँ पे jQuery की। ये देख सकते हैं CSS वाली फाइल यूज़ की है, CDN के थ्रू यहाँ पे jQuery यूज़ की है, jQuery UI यूज़ किया है। तो इन तीनों लाइंस को आपने यहाँ से कॉपी करना है, और इनको यूज़ कहाँ पे करना है, सोर्स के अंदर जाने के बाद जहाँ पे भी आपका टाइटल टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने इनको जो है यहाँ पे पेस्ट करना है तीनों लाइंस को। अब हमने जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो करनी है jQuery की कोडिंग। तो ये वाली जो स्क्रिप्टिंग वाली जो कोडिंग है इसको यहाँ से कॉपी करना है। अब आपने डायरेक्टली जो है
जहाँ पे भी आपका ये वाली जो तीनों लाइन की कोडिंग ख़त्म हुई है उसके बाद आपने इसको जो है पेस्ट करना है। कोडिंग काफ़ी इजी है, आपने टेक्स्ट बॉक्स वन की जो आईडी है उसको कैप्चर करना है और वहाँ पे जो है डेट पिकर को इंप्लीमेंट करना है। जो मंथ होगा वो भी हम चेंज कर पाएंगे, ट्रू कर देना है। जो ईयर है वो भी हम चेंज कर पाएंगे, यहाँ पे भी ट्रू करना है। जो डेट फॉर्मेट हमने यूज़ किया है वो है DDMMYY, और यहाँ पे जो रेंज हमने सेट की है ईयर्स की वो है 1950 से लेके 2018 तक। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी और सिंपल कोडिंग है। हमने एक फंक्शन यूज़ किया है जेक्वेरी के अंदर, जो हमने बाइंड किया है टेक्स्ट बॉक्स वन के साथ, और उसके थ्रू हमने जो है डेट पिकर को जो है इम्प्लीमेंट करवाया है। तो ये थी हमारी कोडिंग यहाँ तक। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है सबमिट बटन के ऊपर। तो इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली कोडिंग लास्ट वाली। अब हमने डिज़ाइन के अंदर जाना है, सबमिट के ऊपर डबल क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे जो है कोडिंग को पेस्ट करना है। तो कोडिंग काफ़ी इजी है, यहाँ पे मैंने लेबल थ्री के अंदर प्रिंट करवाया है जो है बर्थ डेट इज़, और उसके बाद में जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया होगा या डेट पिकर के थ्रू सेलेक्ट किया होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है DDMMYY में। कहने का मतलब पहले डेट होगी, उसके बाद में जो मंथ होगा वो अल्फ़ाबेटिकल में होगा, कहने का मतलब वर्ड्स के अंदर होगा, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून ऐसे। और उसके बाद में जो है ईयर वो तो डायरेक्टली वैसे ही होगा जैसे आपने सेलेक्ट किया होगा। तो ये है हमारी कोडिंग, काफ़ी इजी कोडिंग है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। तो चलिए प्रोजेक्ट को अब हम रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हमने जो प्रोजेक्ट है वो रन कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास जो है लिखा आ चुका है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो डेट पिकर है जो हमने जेक्वेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ से कोई एक मंथ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हमने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली जो है डेट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और जो फॉर्मेट है वो है DDMMYY। और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मंथ है वो वर्ड्स के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट लिया था वो हमने यहाँ पे कोडिंग के थ्रू चेंज किया है। जो कोडिंग हमने यूज़ किया है वो है पार्स एग्जैक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया था डेट टाइम के ऊपर। तो इस तरीके से हम जो है डेट पिकर की हेल्प के साथ जो जेक्वेरी के अंदर है उसके थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं मंथ और ईयर के लिए। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ उस मेरे मेंबर का जिसने ये वाली जो रिक्वेस्ट है हमें भेजी, ताकि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ एज ए वीडियो ट्यूटोरियल, इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ ये उस मेंबर के लिए और बाकी सभी मेंबर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्पल। तो अगर आपको इस वीडियो की नॉलेज और कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में समझ लग चुकी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, अपने आइडियाज़ जो हैं हमारे साथ शेयर करते रहिए, और अपनी जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर देते रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।